अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पिज्ज़ा जो कि बनेगा स्टोव पर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक कप जो कि मेजरिंग कप होगा। इसमें मुझे तीन, क्योंकि मैं दो पिज्ज़ा बना रही हूँ तो मैं तीन कप मैदा लूँगी। ठीक है, याद रहे अगर आपको एक पिज्ज़ा बनाना है तो आप डेढ़ कप कर लें, मतलब इसकी क्वांटिटी हाफ कर लें। मैंने तीन कप मैदा लिया है। एक टीस्पून यीस्ट लेंगे, सॉल्ट हाफ टी स्पून, शुगर वन टी स्पून, गार्लिक पाउडर हम लेंगे वन टी स्पून, कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल हम यहाँ पर 4 टेबलस्पून ऐड करेंगे। तो याद रहे मैं यहाँ पे दो पिज्ज़ाज बना रही हूँ, अगर तो आप एक पिज्ज़ा बनाएंगे तो आप इसकी क्वांटिटी हाफ कर देंगे। इसको गूंदने के लिए हम दूध इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से ये काफ़ी सॉफ्ट होगा। यहाँ मैंने तकरीबन सवा कप दूध लिया है, आप अपनी डो के हिसाब से देख लीजिएगा। डो ना बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए। एक कप से थोड़ा ऊपर तकरीबन सवा कप मेरा लगा था। उसके बाद हम इसको हाथों से अच्छी तरह गूंद लेंगे और स्मूद होने तक तकरीबन 8 से 9 मिनट तक, या जितना आपको लगे कि मेरा बैटर बिल्कुल स्मूद हो गया है, मेरी डो बिल्कुल स्मूद हो गई है, तब तक हम इसको गूंदेंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से कवर करके ऑयल लगाकर इसके ऊपर, ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो इसकी क्रस्ट, ऑयल लगा के हम इसको गीले कपड़े से कवर कर देंगे या क्लिंग फोल्ड से। इसके बाद मैंने यहाँ पे चिकन लिया था हाफ ब्रेस्ट तकरीबन, इसमें मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर ऐड किया था, थोड़ा सा ज़्यादा 1 टेबलस्पून से। मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करना है। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून यहाँ हम रेड चिली लेंगे। इसके बाद हम लहसुन पाउडर लेंगे तकरीबन हाफ टी स्पून, अदरक पाउडर लेंगे हम 1 पिंच, तकरीबन 1 पिंच से थोड़ा सा ऊपर, और 1 टेबलस्पून हम ऑयल ऐड कर देंगे। इसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें और अपने स्पाइसेस चेक कर लें कि अगर आपको कम या ज़्यादा लग रहे हो। इसके बाद मैं इसको फ्लेवर को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए इसमें थोड़ा सा टिक्का मसाला ऐड करूँगी जो कि तकरीबन हाफ टी स्पून था। इसके बाद अच्छे से मिक्स करके हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। और आधे घंटे बाद मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा ऑयल लिया है, ऑयल में हम इसको अपने मटेरियल को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। इसको मैंने ढक दिया था, फिर इसी के पानी में, मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, ये इसी का पानी था। इसके बाद इसको अच्छे से मैंने ड्राई कर लिया और यहाँ पर मेरी डो बिल्कुल रेडी है, फूल के डबल हो चुकी है। तो यहाँ मैं इसको दोबारा से पंच करके इसकी रियल फॉर्म में लेके आऊँगी और दोबारा से इसको एक दफ़ा गूंद कर फिर मैं इसके दो हिस्से कर लूँगी, क्योंकि मैं दो पिज्ज़ाज बना रही हूँ तो मैं इसके दो पार्ट्स में इसको बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने डो को सेंटर से कट कर लिया है क्योंकि मुझे दो पिज्ज़ाज बनाने हैं, और मैं इसको अच्छे से एक राउंड सी शेप दे दूंगी। फिर हम एक पैन लेंगे, उसको ग्रीस करेंगे ऑयल से और इसमें आप ऑरिगेनो ऐड कर दें, इससे इसकी क्रस्ट पे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। इसके बाद आप इसको अच्छी तरह से चारों तरफ से फैला लें अच्छी तरह से। फिर हम एक फोर्क लेंगे और उसको अच्छे से प्रिक कर लेंगे चारों तरफ से। प्रिक करने के बाद किसी भी ब्रांड की आप पिज़्ज़ा सॉस ले लें और इसको अच्छे से फैला लें, बहुत ज़्यादा नहीं लेनी, नहीं तो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, तो इस वजह से हम बहुत ही मुनासिब मिकदार में लेंगे। इसके बाद हम अपना चिकन जो इस पर स्प्रेड कर लेंगे और अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेंगे। आपको जितना चाहिए आप उतना यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा, कम खाते हैं तो कम। इसके बाद हम श्रेडेड चीज़ लेंगे, मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों को मिक्स करके अच्छे से इस पर फैला लेंगे, क्योंकि मेरे घर में चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है तो इस वजह से मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ डाल रही हूँ। इसके बाद टॉपिंग के लिए मैंने ऑलिव्स लिए थे, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टॉपिंग ऐड कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न ऐड कर सकते हैं, अनियंस ऐड कर सकते हैं। फिर हम अपने तवे को अच्छे से हीट अप कर लेंगे और उसके ऊपर अपना पैन रख देंगे और ऑरिगैनो लाइट सा इसके ऊपर हम स्प्रिंकल कर लेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा सा आ जाएगा। इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा फूला हुआ लग रहा है, जैसे थोड़ा सा ही फूलना शुरू हो जाए तो हम इसके ऊपर एक और तवा गर्म करके, अच्छे से गर्म करके, बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि उसके ऊपर से भी इसको हीट मिले और ऊपर से भी ये रेड हो जाए। हम उसको अपने पैन के ऊपर कवर करके रख देंगे और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा की क्रस्ट नीचे से बहुत ही अच्छे तरीके से रेड हो चुकी है, ना ज़्यादा जली है, बहुत ही वेल डन है। इसके अलावा आपको मेरा रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।